अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, वो मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा था और साथ में बारिश भी हो रही थी। तो पापा ले आए थे, पेटीज ले आए थे, साथ में चाय भी बन रही थी। और हम लोग जो है ना, वो आलू वाले पकौड़े होते हैं ना, तो वो भी उसकी भी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इतने में पापा पेटीज ले आए थे, तो हम लोगों ने वो पेटीज वगैरह इन्जॉय करा। और साथ में यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब हम लोग बना रहे थे पिज्ज़ा पराठा। और मैं, आपने देखी होगी, मैं चीज़ वगैरह लेकर आई थी और पिज्ज़ा सॉस वगैरह लेकर आई थी। तो ये था कि सामान जो है ना, वो सारा अवेलेबल था। और तो यहाँ पर बस मैं चीज़ जो है ना, ग्रेट कर रही थी। ये होता है काफ़ी सारी एक साथ कर लो ना, तो फिर ठीक रहता है। तो चीज़ मैंने ग्रेट कर ली थी, प्याज यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी पिज्ज़ा पराठा, तो आटा भी गूंद लिया था, प्याज भी कर ली थी, मतलब सब कुछ करके रख लिया था। साथ में जो है ना, इसका जो मतलब बोटियाँ जिसकी बनती है ना पिज़्ज़ा की, पिज़्ज़ा पराठा की जो बनती है, उसके अंदर का मतलब सारी जो हमारी फिलिंग होती है, वो भी यहाँ पर रेडी कर ली थी। तो बस मैं यहाँ पर फिलिंग देख रही थी, और ना यहाँ पर मैंने स्पून से इसमें बोटी निकाली। और आप लोग जो है ना, वो ये वाला कॉम्बो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब ना, इतना मज़े का लगता है, मतलब गरम गरम जो है ना, वो जैसे बोटी हो, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी मसाला हो, उसके ऊपर आप इस तरह से थोड़ी सी चीज़ रखें, या तो शर्ट रख लें, या तो एक इतना सा पीस काट करके रख लें, और फिर वो खाया ना, तो वो इतना मज़े का लग रहा होता है। मतलब थोड़ी सी गरम गरम सी बोटी हो रही होती है, और ऊपर उसके चीज़ का टेस्ट आ रहा होता है, और चीज़ इतनी मतलब ठंडी हो रही होती है, इतनी ज़्यादा गर्म, मतलब मेल्ट तो वो नहीं होती, लेकिन वो एक दोनों को जब मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो खा के मज़ा आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पर जो है ना, बस मैंने कहा चलो जल्दी से ट्राई कर लेती हूँ। फिर मैंने ये ट्राई करा, और बस मैंने एक ही दफ़ा किया है कि फिर फिलिंग हम ज़्यादा तो नहीं खा सकते, क्योंकि हमने वो पिज़्ज़ा पराठा के लिए रखी थी अपने। तो यहाँ पर बस हमारी पिज़्ज़ा पराठे की तैयारियाँ चल रही थी, और जब ये बन गया था ना, हम लोगों ने खा भी लिया था, और बहुत मज़े का बना था। मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि वो बस मैंने खा लिया था गरम गरम, और एंड टाइम पे ना लाइट चली गई थी, तो इस वजह से। और ये जो है ना, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी फ्रेंड की जो मदर थी, वो सऊदी अरब से आई थी हज करके, तो हमारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी सी जायनमाज थी, और ये बहुत अच्छा इसका स्टफ़ था, और जायनमाज तो होती ही बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी थी। और साथ में दो चूड़ियाँ थी, मतलब सिस्टर के लिए और मेरे लिए, दोनों चूड़ियों का सेट थी ये। और साथ में जो खजूर होती हैं वो, और पान आब जमज़म होता है वो, और साथ में दो तीन टॉफ़ीज़ थी। और टॉफ़ीज़ जो थी ना, वो हलवा टाइप लग रहा था ये, मतलब कोई होता है, मुझे याद नहीं आ रहा किस टाइप का हलवा, लेकिन ये जाने पहचाने टेस्ट लग रहा था, अच्छी थी। उसके अलावा अम्मी के लिए जो है ना, वो ये चूड़ियाँ थी, मतलब चार चूड़ियाँ थी, और ये बहुत प्यारी थी, कड़े टाइप थी, जो होते हैं ना छोटे छोटे कड़े टाइप, वो थी, और ये बहुत अच्छी थी, ये सऊदी अरब से ही लाई थी वो, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, और पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है कोई भी इस तरह कोई भी मतलब गिफ्ट लेकर आता है ना, तो बहुत खुशी होती है। तो ये सारा था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिएगा वीडियो को, आगे शेयर भी कर दिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।